इंडिया बैन्स व्हीट एक्सपोर्ट। जी हाँ, इंडिया ने वर्ल्ड वाइड व्हीट एक्सपोर्ट को कर दिया है बैन। देश में गेहूं की कीमत में उछाल के बीच सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्राइस कंट्रोल के लिए सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं निर्यात को बैन करने का फैसला किया है। इस संबंध में सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक घोषणा से पहले या उस दिन तक जिस शिपमेंट के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर दिया गया है उतने गेहूं का निर्यात किया जाएगा। कीमतों में उछाल के कारण सरकार ने यह फैसला लिया है। अप्रैल महीने में महंगाई 7.79% रही, जो 8 सालों का उच्चतम स्तर है। अप्रैल महीने में फूड इन्फ्लेशन 8.38% रहा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है और वो इस समय घरेलू बाजार में कीमत में तेजी का सामना कर रहा है। दरअसल ग्लोबल मार्केट में गेहूं की डिमांड बढ़ गई है। यूक्रेन क्राइसिस के कारण ब्लैक सी रूट से गेहूं शिपमेंट बुरी तरह प्रभावित हुई है। ऐसे में भारत से मांग बढ़ी और निर्यात में भी उछाल आया। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 कुल 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू द चैनल नाउ।